मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस. बच्चों, दिस इज योर कंप्यूटर क्लास एंड टुडेज टॉपिक इज नंबर सिस्टम. आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है. इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड द कन्वर्जेंस ऑफ ऑल दीज टाइप्स. ओके, नाउ स्टार्ट द नंबर सिस्टम. There are two types of number system. ठीक है, सबसे पहली बात तो number system हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो number system है, ये number system होता क्या है. Number system computer पे आपका हम लोग different तरह के numbers use होते हैं. ठीक है, there are different types of number we used. आपका computer, हम लोग जो we are the user, हम लोग user हैं, हम लोग different तरह के numbers use करते हैं. कंप्यूटर जब डेटा को स्टोर करता है तो वो भी नंबर्स का ही यूज कर रहा है, वो भी डिजिट्स का ही यूज कर रहा है, पर हम लोग को पता है वो जीरो और वन डिजिट्स को यूज करता है. ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये आपका नोटेशंस होते हैं किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपके देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम कितने तरीके के हो गए? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. क्लियर? फर्स्ट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम एंड द सेकेंड इज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड द थर्ड इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड द फोर्थ इज हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम. इस तरह से आप लोगों ने देखा कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब अगर आपका ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन बाइनरी नंबर सिस्टम या एक्सप्लेन ये, तो आप किस तरह से लिखेंगे, मैं आपको आज ये बता दे रही हूँ. देखिए, कोई भी नंबर सिस्टम होता है तो वो नंबर सिस्टम में पहली चीज आपको ये लिखनी है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन योर नंबर सिस्टम. यानी कि आपके जो भी नंबर सिस्टम ये जो टाइप्स हैं, इनमें वो कितने नंबर डिजिट्स को स्टोर कर रहा है, क्योंकि नेम उसके अकॉर्डिंगली दिया है. ठीक है, फिर आपका बेस नंबर नंबर सिस्टम का क्या है, जो बेस है वो क्या है नंबर सिस्टम का. ठीक, और एग्जांपल, तो आपको ये थ्री जो है स्टेप्स में आपको ये एक नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट होना चाहिए. तो डाइए सबसे पहले हम लोग जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को देखते हैं. सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ वी टेक फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम. व्हाट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम हैज ओनली 10 डिजिट्स. ओके, इट हैज ओनली 10 डिजिट्स. अब वो आपके डिजिट्स क्या है? दीज आर द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आपके टोटल 10 डिजिट से हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो दीज आर द टोटल 10 डिजिट. ओके, तो इट हैज ओनली 10 डिजिट. क्योंकि इसमें 10 डिजिट होती हैं, इसलिए इसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं. ओके, यानी कि जो नाम आपका पड़ा है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिजिट, उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसका नेम पड़ा है. ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि इसका नेम है. अब आपका क्या आता है कि व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम? तो जो बेस भी होता है, जितने आपके किसी भी नंबर सिस्टम में जितने उसमें डिजिट्स प्रेजेंट है वही उसका बेस होता है. ठीक है, तो आपका सेकेंड इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10. बिकॉज इट हैज ओनली 10 डिजिट्स. क्योंकि इसमें केवल 10 डिजिट्स होती है, इसलिए इसका जो बेस है वो कितना होगा, 10 होगा. ठीक है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज कहां
वी आर द यूजर्स, हम लोग जो अपने जनरल लाइफ में, जो दैनिक जीवन में हम लोग डेसिमल नंबर्स का ही यूज करते हैं। अगर बहुत ध्यान से देखें, कोई भी आपके नंबर्स हैं वो आपके 0 to 9 डिजिट से ही क्रिएट हो रहे हैं, क्लियर है। तो जो यूजर्स जो है वो कैसे नंबर यूज करते हैं, डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं। इनके एग्जांपल्स देख लीजिए, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आपके इस तरह से हैं, इनके एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1010 बेस्ट है, आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। आपने लिखा 1 2 9 बेसिक, तो दीज आर द एग्जांपल्स, क्लियर। इस तरह से आप मतलब आप कोई भी डिजिट लिखेंगे, देखिए मैं दो वर्ड्स बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने एक आपसे कहा है नंबर, ठीक है, और एक मैंने बोला है आपसे डिजिट। ये आपका 124, ये पूरा क्या है, ये नंबर है, और इसका जो एक एक ये अंक है इसको हम लोग कहते हैं डिजिट, क्लियर। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है शिवाजी, शिवाजी पूरा आपका एक शब्द है, पर शावाजा, दीज आर द करेक्टर्स, दीज आर द, ये इसके अक्षर है, ठीक। तो यहाँ पर भी वैसे ही नंबर और डिजिट में आपको डिफरेंट जो है वो है, ये बहुत जैसे चीज पर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ना सब पता हो, तो इसमें मैंने आज ही बताया नंबर और डिजिट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। तो अब आपका क्या हुआ, इस तरह से आपको, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है नंबर सिस्टम में, आपने कोई भी नंबर लिखा उसको विद इन ब्रैकेट लिखा, और यहाँ पे आपका इसको जो बेस होता है उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट की तरह यूज करते हैं, इसलिए जो बेस है इसको हम लोग रेडिक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, इसको हम लोग रेडिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेडिक्स नंबर ऑफ, व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, तो आप ये बता सकते हो कि द रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं द रेडिक्स और द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में इट हैज ओनली 2 डिजिट्स, 0 and 1। बाइनरी नंबर में आपके नंबर सिस्टम में केवल दो ही डिजिट्स यूज होती हैं, इट हैज 2 डिजिट्स 0 and 1 बिट, इनको हम लोग कहते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द बाइनरी बिट्स, ठीक है, इनको हम लोग बाइनरी बिट भी कहते हैं, ठीक। या तो आपके में 0 होगा या 1 होगा, और आपका चूंकि बाइनरी में केवल दो ही डिजिट्स होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और अब चूंकि इसमें केवल दो ही डिजिट्स हैं, तो इसका बेस क्या हो गया, इसका बेस हो गया 2, ठीक है, क्योंकि इसका इसमें केवल 2 डिजिट्स होते हैं, इट हैज ओनली 2 डिजिट, सो देयर बेस आर, सो दिस बेस आर है व्हाट, यस, इसका बेस जो है वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल, और इस बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज कहां पे होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज जो है वो कंप्यूटर जो है वो अपना डेटा, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम को स्टोर करने में करता है। हम सबको ये पता है कि हम जो भी डेटा हमारा कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, वो सारा का सारा डेटा जो है वो मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होता है, और वो बाइनरी आपकी क्या है, वो बाइनरी डिजिट्स है 0 और 1, क्लियर स्टूडेंट्स। हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 0 1 0 2, अगर मैं ये कहूं कि 1 2 9 base 2, इस तरह से मैंने लिखा है, तो क्या ये राइट है, ये बाइनरी नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका 1 तो ठीक है, पर ये 2 और 9 ये डिजिट्स नहीं होने चाहिए, केवल इसमें 1 0 1 0 का ही ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट अब आपकी बारी आती है कि व्हाट इज द डेसिमल नंबर, सॉरी ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज ओनली 8 डिजिट्स, ओके। ऑक्टल नंबर में कितने आपके नंबर होते हैं, इट हैज ओनली
एट डिजिट्स, और वो एट डिजिट्स आपकी कौन सी है? जीरो से स्टार्ट हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगी, ठीक है। अब आप जब जीरो से स्टार्ट करिए तो टोटल तो 8 डिजिट्स हो ही रहे ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। दैट मींस द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। ये मैंने आपको अभी बताया है कि जो बेस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, बेस जो है वो किसी भी नंबर सिस्टम में जो टोटल डिजिट्स प्रेजेंट होती है वही उसका बेस होता है, क्लियर। तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या होगा, इसका बेस जो है वो 8 है। हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका जो एग्जांपल है वो ये हो जाएगा 1, 2, 7, 8, आप इस तरह से लिखेंगे नंबर रिटन बिटवीन ब्रैकेट्स एंड फिर उसके बाद आप ये सबस्क्रिप्ट यूज करोगे। सपोज अगर हमने लिखा 10108 बे, तो आपका 1 और 0 तो इसमें आ ही रहा है ना उत्तर में, लेकिन आप अगर ये सोचे कि हम 1, 2, 8 लिखें तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये क्यों, क्योंकि आपका इसमें ये 8 है और 8 जो है वो आपका ऑक्टल नंबर के ग्रुप में नहीं आता है, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज द बेस ऑफ, व्हाट इज द हेक्सा नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम इट हैज ओनली 16 डिजिट्स। इन हेक्साडेसिमल नंबर इट हैज ओनली 16 डिजिट्स, और वो 16 डिजिट्स आपकी कौन कौन सी है इनको देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हेक्साडेसिमल यानी कि इसमें डेसिमल नंबर्स तो है ही, डेसिमल के अलावा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड द अल्फाबेट्स, और वो किस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूं कि इसमें इट हैज ओनली 16 डिजिट्स, क्लियर है। इसमें केवल आपके 16 डिजिट्स है, और वो 16 डिजिट आपके कौन से हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and the 15। अब देखिए आपका, यानी कि टोटल 0 to 15 अगर काउंट करेंगे तो 16 डिजिट्स ही आएंगे इसमें, लेकिन होता क्या है आपका, ये जो 0 to 9 है, these are represent same as a decimal number, ये आपके as a decimal number ही use होंगे, लेकिन आपका जो यहाँ से 11 to 15 है, 10 to 15 जो है वो convert हो जाते हैं alphabets में, ठीक है। जैसे आपका ये एंड दिस, ठीक। तो जब आप इसको बार बार, हम लोग बार बार जब इन नंबर्स को यूज करते हैं तो हम लोग को अपने आप ही इसका जो कोड है वो याद हो जाएगा। जैसे आपका 10 है वो ए अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करेगा और कैपिटल में, ओके। 11 बी 12 सी 13 डी 14 ई एंड 15 इज एफ। दैट मींस कि आपका अगर हेक्साडेसिमल में देखें तो जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या आएगा, 0 to 9 एंड ए टू एफ अल्फाबेट, क्लियर। तो इसमें भी आपका जो बेस है वो क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है 16 है। क्यों है, क्योंकि इसमें टोटल जो है वो 16 आपके करेक्टर्स है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसको इसके जो एग्जांपल है वो इस तरह से हो सकते हैं, 1 ए एफ, ठीक है। आप बेस यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इसमें जो है वो आपका आपका अल्फाबेट्स और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। दिस इज अ 1 ए एफ। सेकेंड इसका एग्जाम्पल देखिए, 209, ओके। आप इसमें ए बी सी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन है वो सारे टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड देयर डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस कन्वर्जन्स ऑफ दीज नंबर सिस्टम।